हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिमिट स्विच के बारे में। तो आप देख सकते हैं मेरे पास में एक लिमिट स्विच है दोस्तों, और ये है बालाजी कंपनी का। और ये स्विच किस प्रकार से काम करता है और उसको आप मल्टीमीटर से किस प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं, और सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। तो दोस्तों, जो ये लिमिट स्विच है, ये हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में इसका यूज अधिकतर किया जाता है। और जो हमारी मशीनें होती है दोस्तों, उसको स्टॉप करने या स्टार्ट करने या फिर किसी इक्विपमेंट का फीडबैक लेने के लिए, उसका ओपन फीडबैक या क्लोज फीडबैक लेने के लिए इस लिमिट स्विच का यूज किया जाता है। तो देखिए, ये जो लिमिट स्विच है दोस्तों, पहले जान लेते हैं, ये इसका लीवर है और ये इसका हेड है। ठीक है दोस्तों, आप इसको साउंड से पता कर सकते हैं कि जो उसकी लिमिट है ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है नहीं कर रही। तो देखिए, जैसे हम इसको प्रेस कर रहे हैं, आपको एक साउंड आ रहा है लिमिट का, लिमिट कट रही है हमारी। अगर इस प्रकार से साउंड आ रहा है, समझ जाइए कि आपकी लिमिट प्रॉपर तरीके से कट रही है। फिर भी हम इसको एक बार मल्टीमीटर से इसके NONC कॉन्टैक्ट चेक करेंगे। तो पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसको अभी हमने ओपन कर लिया है। इसके अंदर में ये इसके NO कॉन्टैक्ट है और ये इसके NC कॉन्टैक्ट है। और दोस्तों, ये जो लिमिट स्विच है, ये अभी नॉर्मल पोजिशन में है। तो हम मल्टीमीटर को पहले कंटिन्यूटी की रेंज में लगा लेंगे और फिर इसके NONC कॉन्टैक्ट आपको चेक करके दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने मल्टीमीटर की प्रॉप को NO पे लगाया है और ये हमारा स्विच अभी नॉर्मल कंडीशन में है। और जैसे हम इस लीवर को प्रेस करेंगे तो देखिए, आपको बीप का साउंड आ रहा है। अब जो NO कॉन्टैक्ट दोस्तों, ये NC हो गया है। जैसे इसको हम छोड़ेंगे तो फिर से NO हो गया। जैसे इसको हम प्रेस करेंगे लीवर को, तो देखिए साउंड आ रहा है, ये NC हो गया। ठीक है दोस्तों, मतलब इसके NO कॉन्टैक्ट सही काम कर रहे हैं। अब इसका NC कॉन्टैक्ट हम चेक कर लेंगे। तो मल्टीमीटर की प्रॉप को हम अभी NC कॉन्टैक्ट पे लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने मल्टीमीटर की प्रॉप को अभी हमने NC कॉन्टैक्ट पे लगाया है और मल्टीमीटर में आप बीप का साउंड सुन सकते हैं। और जैसे हम दोस्तों अभी लीवर को प्रेस करेंगे, तो देखिए जो NC कॉन्टैक्ट है वो अभी हमारा NO हो चुका है। और जैसे हम लीवर को छोड़ेंगे तो देखिए, फिर से कॉन्टैक्ट NC हो चुका है। तो दोस्तों, जो इसका NC कॉन्टैक्ट है, भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। हमने इसके NO कॉन्टैक्ट और NC कॉन्टैक्ट दोनों चेक करे हमने, ये सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो लिमिट स्विच हमारे सिस्टम में किस प्रकार से काम करता है, आपको लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से वर्क करता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा नोवा का सिलेंडर है और सिलेंडर अभी हमारा ओपन कंडीशन में है। और जो लिमिट स्विच आप देख सकते हैं, ये अभी हमारे जो PLC में फीडबैक दे रही है कि ये हमारा जो सिलेंडर है, ये अभी ओपन हो चुका है। और इसमें एक आप उसका लीवर देख रहे हैं, ये लीवर है, ये देखिए। और जो ये सिलेंडर पर जो लगा है, ये इसका स्टैगर है। स्टैगर जाके दोस्तों इस लिमिट स्विच को काटेगा और यहाँ से हमारा जो सिलेंडर जैसे क्लोज होगा, तो इसका हमारा ये सिलेंडर का क्लोज का फीडबैक हमारे PLC में चला जाएगा। तो देखिए, ये अभी सिलेंडर क्लोज होगा तो हमारा लिमिट किस प्रकार से कटेगा। तो देखिए दोस्तों, जो अभी हमारा सिलेंडर है, ये क्लोज हो चुका है और ये हमारा लीवर अभी कट चुका है। तो देखा दोस्तों आज आपने कि इस लिमिट स्विच को आप मल्टीमीटर से किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, इसके NONC कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।